यूपी के आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने घटना की सूचना के बाद जिला अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल की। एसपी के मुताबिक मृतक की पहचान राघवेंद्र सिंह उर्फ टुन्नू सिंह के रूप में हुई। घटना के कारण के साथ ही घटना स्थल के बारे में पता लगाया जा रहा है। घटना के खुलासे के लिए टीम का गठन भी किया गया है। घंटा पहले पुलिस को सूचना मिली है कि सदर अस्पताल में एक व्यक्ति जिनको चेस्ट में गोली लगी हुई है उनकी डेथ हो गई है, सदर अस्पताल में लाया गया। सूचना पर थाना प्रभारी सिदारी, कोतवाली, एसपी सिटी, एसओजी टीम और मैंने खुद मौके पर आया हूँ। सूचना तस्दीक हुई है। घटना के बारे में अभी स्पष्ट कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। घटना किस प्रकार से हुई, किन परिस्थितियों में हुई, घटनास्थल भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। विस्तार में हम लोग सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। परिवारजनों को भी सूचित कर दिया गया है और तीन टीमें पुलिस की लगी हुई हैं घटना के बारे में पता करने के लिए कि घटना कहाँ पे हुई और किन परिस्थितियों में। क्या इनकी पहचान किस रूप में हुई है? इनका नाम है राघवेश प्रताप सिंह। इनकी उम्र लगभग 35 साल की है और ये यहीं शहर अलवल के रहने वाले हैं। इनके बारे में और जानकारी की जा रही है। इनके भाई भी साथ में थे इनके साथ? ये कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है, अभी वो पुलिस के सामने नहीं आए। जैसे ही पुलिस के सामने आएंगे हम लोग बातचीत करके और जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। तो घटनास्थल क्या है पता नहीं है अभी। घटनास्थल और घटना किस प्रकार से हुई ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि अभी जस्ट पुलिस को आधा घंटा पहले सूचना मिली थी और कोई भी ये बताने वाला यहाँ पे नहीं है कि घटना किस प्रकार से हुई, किसके द्वारा की गई, किन परिस्थितियों में और कहाँ पे घटना हुई। हम लोग सभी बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे आप सभी लोगों के साथ साझा किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।